दो टेबल बना रहे हैं, यानी कि स्टडी टेबल जो होता है उसी तरीके का टेबल जो है कि हम दो बनाने वाले हैं। और टेबल का साइज़ दोस्तों 3 फीट लंबाई होगा और 2 फीट चौड़ा होगा, यानी कि हम 1 इंची कम करेंगे, यानी कि 29 इंच में रखेंगे, 29 इंच में रखेंगे। और जैसे 1 इंच हमारा जो टॉप में जो फट गया, आप देख सकते हैं हमने जो कि फाइनली दोनों टेबल के पैर जो है उस पर हम निशान लगा के पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है, देख सकते हैं हो जाएगा। तो दोस्तों हम फट्टा ज्वाइन करने के लिए हाथ वाला रंडा से ही ज्वाइन करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर मशीन वाला रंडा से ज्वाइन करने के लिए रंडा मारते हैं ना तो सही तरह से जो है कि ज्वाइन नहीं होता है बीच में गैप, जैसे आप देख सकते हैं हमने 3 फट्टा फाइनली ज्वाइन करके जो है कि हमने कंप्लीट कर लिया, देख सकते हैं फाइनली 1 फट्टे को जो कि दोनों साइड रंडा मार के साइज भी करके हमने फाइनली पूरी तरह से जो है कि हमने कंप्लीट कर लिया है, देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी को फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो ये सारी लकड़ियाँ रंडा मार के साइज उगरा करके रखा हुआ है। तो दोस्तों इस ये सारी लकड़ी को जो हम रंडा मार के रखा हुआ इसका दोस्तों हम एक दो टेबल बना रहे हैं, यानी कि स्टडी टेबल जो होता है उसी तरीके का टेबल जो है कि हम दो बनाने वाले। और टेबल का साइज़ दोस्तों 3 फीट लंबाई होगा और 2 फीट चौड़ा होगा, यानी कि दोनों टेबल का साइज़ एक ही होने वाला है। तो चलिए दोस्तों इन सारी लकड़ी हमने रंडा मार के रेडी करके रख लिया है, लेकिन अभी इसका निशान वगैरह लगाया नहीं है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इसके जो निशान वगैरह लगाने का काम करेंगे। तो दोस्तों आप लोग भी देखिएगा इसको जो है कि निशान टेबल बनाने के लिए निशान वगैरह जो है कि वो किस तरह से लगाया जाता है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के निशान लगाने का काम जो है वो शुरू करते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो टेबल के पैर हमने ले लिया है, हमने 2x2 इंच का पैर लिया है। और इसके दोस्तों हमारा टेबल का ऊंचाई जो होने वाला वो 2.5 फीट का होने वाला है। तो हम इसको जो कि एक टेबल का पैर हम निशान पहले लगा लेते हैं। हमने एक टेबल का निशान लगाने के लिए हमने 4 पैर ले लिया हूँ। तो हमने ये टेबल जो है कि हमें 2.5 फीट का ऊपर नीचे से ऊपर तक 2.5 फीट का होने वाला है। तो हम इसका जो ये पैर जो है कि हम 1 इंची कम करेंगे, यानी कि 29 इंच में रखेंगे, 29 इंच में रखेंगे। और जैसे 1 इंची हमारा जो टॉप में जो फट्टा लगेगा वो 1 इंची लग जाएगा। तो टोटली हमारा नीचे से ऊपर तक जो है कि वो 33 इंच का हो जाएगा, उसके लिए हम ये निशान लगा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ हम ऊपर साइड में जो होल करने के लिए हम 3 1 बिट लगाने वाले हैं, और नीचे से जो है कि हम 6 इंची निशान लगा के 6 इंची से उसके नीचे 2 इंची में निशान लगा के जो है एक बिट चौड़ाई साइड में 2 1 का बिट जो है वो लगाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों इसी तरह से ये सारे लकड़ियों को जो कि निशान लगा के फाइनली पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो इसके आलू वगैरह कटिंग करने का काम करेंगे और इसके होल भी करने वाले हैं। और दोस्तों इसके उसके टॉप के जो टॉप में जो लगाने वाला फट्टा होता है वो फट्टा भी जो है कि ज्वाइन करने का काम है। तो चलिए सबसे पहले हम जो इसको इन सारे पेयर को जो है कि निशान लगाने का काम करके कंप्लीट कर लेते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद इसके बाद जो है कि इसके साइड वाला फांसी के लिए 3 1 बिट जो आते हैं उस पर निशान लगाने का काम करेंगे। तो चलिए आप लोग बने रहे वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने जो कि फाइनली दोनों टेबल के पैर जो है उस पर हम निशान लगा के पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है, देख सकते हैं कुछ तरह से हमने निशान लगा के जो है कि कंप्लीट करके रख लिया है। और अभी दोस्तों इसके साइड में जो लगने वाला फट्टा है 3 1 का बिट जो है वो
उस पर निशान लगाने का मुगरा जो वो रह गया है, हमारा पैर पे तो निशान लगा हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने रखा हुआ है तीन एक बीट उगरा जो है कि, और साथ में उसका फट्टा भी रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों आप बिना देरी के जो ये तीन एक बीट को जो है कि निशान लगाने का काम करेंगे। तो हमारा दोस्तों टेबल जो लंबाई और 3 फीट का है, तो हमें भी ये जो बीट में निशान लगाएंगे हम 3 फीट में 2 इंची कम करेंगे, यानी कि 3 फीट में आपका 36 होता है, तो हम 2 इंची कम करेंगे यानी कि 34 इंच में हम जो है इसका फ्रेम नीचे वाला फ्रेम बनाएंगे। नीचे वाला फ्रेम हम 34x22 इंच में बनाएंगे, तभी हमारा जो है कि 1-1 इंच चारों ओर निकलेगा, तो उसी के साइज में हम बनाएंगे। तो चलिए इसी तरह से हम सारे लकड़ी को निशान लगा कर देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हम 2 इंची बाय 2 इधर निशान लगा के रखा है, तो अभी इसको हम चेक करके देखेंगे सही तरह से होगा कि नहीं। तो दोस्तों हमारा सही तरह से निशान में बैठ गया है। तो इसी का हिसाब में सारे लकड़ियों को जो है कि निशान लगा कर कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद जो है कि इसका आलू वगैरह कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद फट्टा ज्वाइन करने का काम करेंगे। तो चलिए आप लोग बने रहे वीडियो में।
दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने जो है कि इन सारे बिटवर्क जो है कि निशान लगा के फाइनली पूरी तरह से जो है कि हमने कंप्लीट कर लिया है। देख सकते हैं कुछ तरीके से निशान लगा कर हो चुके कंप्लीट। दोस्तों अभी हम जिसको आल कटिंग का काम रह गया, तो दोस्तों अभी हम इसके आल वगैरह कटिंग नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके जो कि फट्टा जो है वो ज्वाइन करने का काम करेंगे पहले, फिर उसके बाद ही हम कटिंग करेंगे। तो दोस्तों हमने फट्टा ज्वाइन करने के लिए हमने यहाँ पे जो है कि ले लिया, देख सकते हैं ये सारे फट्टे हमने ले लिया है। तो ये दोस्तों हमारा फट्टा जो है कि ये 8 इंच का है, तो 8 इंच का 3 फट्टा ज्वाइन करेंगे तो हमारा 2 फीट का हो जाएगा। तो दोस्तों हम फट्टा ज्वाइन करने के लिए हाथ वाला रंडा से ही ज्वाइन करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर मशीन वाला रंडा से ज्वाइन करने के लिए रंडा में आते हैं ना, तो सही तरह से जो है कि ज्वाइन नहीं होता है, बीच में गैप हो जाता है। तो हम क्योंकि हमारा मशीन रंडा जो है कि वो थोड़ा सा पुराना हो चुका है, इसकी वजह से थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है, उसकी वजह से कि हम ये हाथ वाला रंडा से ही जो है कि रंडा मार के इसको फट्टा को ज्वाइन करेंगे। दोस्तों हाथ वाला रंडा से रंडा मार के ज्वाइन करने से बहुत ही अच्छी तरह से जो है कि ज्वाइन हो जाता है। तो इसी तरह से हम सारे लकड़ी को ज्वाइन करेंगे। और दोस्तों हम इस सारे लकड़ी फट्टे को जिस तरह से ज्वाइन करके जो है कि इसमें हम फेविकोल से ज्वाइन नहीं करेंगे, बल्कि हम शॉर्टकट में करने वाला हूँ। इस पर जो है कि हम इसके बीच में कील लगा देंगे, 3 कील जो है कि इसके कील के हेड को तोड़ के इसके बीच में हम लगा के इसको फट्टा को ज्वाइन करने वाले हैं। तो आप लोग देखिए मैं किस तरह से इस फट्टे को जो है कि ज्वाइन करता हूँ। दोस्तों इसका हम इस तरह से ज्वाइन करके कंप्लीट करेंगे और रंडा मार के भी इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग बने रहे वीडियो के एंड तक। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं हमने 3 फट्टा फाइनली ज्वाइन करके जो है कि हमने कंप्लीट कर लिया। देख सकते हैं कि उस तरह से ज्वाइन करके हो चुका है रेडी। तो दोस्तों हमारा एक टेबल के लिए फट्टा तो ज्वाइन करके हो चुका है रेडी, अभी दूसरा वाले टेबल के लिए फट्टा ज्वाइन करने रेडी करना बाकी है। यहाँ पे देख सकते हैं ये रखा हुआ है फट्टा, तो चलिए इसका भी फटाफट ज्वाइन करके देखिए कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर ज्वाइन करने का काम शुरू करेंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने दोनों टेबल का फट्टा जो कि ज्वाइन करके हमने फाइनली रेडी करके रख लिया है। तो अब चलिए इसको कील लगा के इसको ज्वाइन करने का काम जो शुरू करेंगे। तो आपको देखिए दोस्तों मैं किस तरह से इसको ज्वाइन करके जो कि तैयार करता हूँ। दोस्तों हम फट्टा को ज्वाइन करने के लिए जो कि हमने ये लकड़ी का खींच बोलते हैं, हम इसे खींच से जो कि फट्टे के बीच में निशान लगा रहे हैं खींच से। तो हमने यहाँ पे पेंसिल निशान लगा के रखा, उसके बीच में हम इसके इस तरह से निशान लगा रहे हैं, जहाँ जहाँ पर कील लगाने वाले उस जगह पर हम खींच मार के बीच में निशान लगा रहे हैं। तो इसी तरह से निशान लगा के जो खींच लगा रेडी करेंगे, तो इसकी जगह पे हम जो कि कील लोहे का कील जो आता है उसको लगाने वाला हूँ। तो हमारा निशान लगा के फाइनली हो चुका है कम्प्लीट। तो आप चलिए इस पर लोहे का कील जो है वो लगाएंगे। तो हमने कील का हेड जो तोड़ के पहले से रखा हुआ है, देख सकते हैं हम यहाँ पे कुछ इस तरह से मार रहे हैं। तो इस तरह से 3 कील लगाएंगे दोस्तों, हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, 3 कील लगाकर इसका हम फट्टे को ज्वाइन करने वाले हैं। तो इसी तरह से देख सकते हैं हम यहाँ पे 2 कील लगा लिया और एक लास्ट में लगा देंगे 3। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से हमने कील को जो है कि तीनों लगा लिया है। आप इसके दूसरे फट्टे पे तो कील नहीं लगाएंगे, बल्कि उसमें हम कील से होल कर लेंगे, छोटा छोटा होल, हल्का सा छोटा छोटा होल कर लेंगे, उसको उसी होल पे जो कि इस वाले फट्टे को उस पर लगा देंगे, जो कील हमने जहाँ पे कील लगाया हुआ है उसी कील के ऊपर में। तो ये देख सकते हमने, ये देखिए हमने फट्टा जो है ले लिया है, ये देखिए। तो इसी तरह से हम हटोरा की मदद से इसको मार के इसमें आपस में दोनों को सटा देंगे। देख सकते हैं दोस्तों हमारा फट्टा फाइनली ज्वाइन करके हो गया रेडी। देख सकते हैं कितने आसानी से हमने जो कि फट्टा ज्वाइन करके रेडी कर दिया है। तो आप चलिए इसके दूसरे वाले फट्टा भी इसके ऊपर में जो कि वो भी लगाकर कंप्लीट करते हैं इसी तरीके से। तो आप लोग बने रहे वीडियो में।
देख सकते हैं दोस्तों मैंने फाइनली एक फट्टे को जो है कि ज्वाइन करके हमने रेडी कर लिया। देख सकते हैं हमने ये हमारे फट्टा 8 इंच का, इसलिए 3 पीस में जो है कि हमारा 2 फीट हो चुका है। इसकी लंबाई तो 3 फीट का है, यानी कि 2x3 फीट का फट्टा हमने ज्वाइन करके रेडी कर लिया है। तो दोस्तों एक फट्टा तो हमारा ज्वाइन करके हो चुका है रेडी। अब चलिए इसके लिए दूसरे वाला फट्टा जो है इसको भी ज्वाइन करके रेडी करते हैं। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं हमने दोनों फट्टे को ज्वाइन करके फाइनली रेडी करके हो गया है कंप्लीट। तो अब चलिए दोस्तों इसको रांडा मारने का काम जो है वो शुरू करते हैं। तो आप लोग देखिए दोस्तों एक इलेक्ट्रिक प्लानर मशीन से इसको रांडा किस तरह से मारना चाहिए, जो कि रांडा मारने के बाद सही तरह से और सीधा हो पाता है। तो चलिए बिना देरी के रांडा मारने काम जो वो फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं। और रांडा मार के कम्प्लीट होने के बाद ये वाला फांसी जो है कि इनका उनका भी कटिंग करने का काम है। तो चलिए ये देखिए दोस्तों हमने रांडा मारना शुरू कर दिया हूँ। तो दोस्तों हम इस फट्टे को जो है कि रांडा मारने के लिए फर्स्ट शुरुआत में हम देख सकते हैं इस तरह से किनार में दोनों साइड में हम जो है कि रांडा मारेंगे। हमने ये देखिए एक साइड मार लिया, इसको पलट के अभी इसके दूसरे साइड मारेंगे। तो इसी तरह से दोनों साइड इस तरह से रांडा जो है कि साइड में मार लेंगे, फिर उसके बाद जो है कि हम इसके चौड़ाई साइड से जो है कि रांडा मारने वाले। तो दोस्तों इस तरह चौड़ाई से साइड से मारने से जो है कि हमारा इस तरीके का फट्टा जो है कि बहुत ही सीधा अच्छी तरह से हो जाता है। और अगर आप इसी तरह से लंबाई तरफ से रांडा मारते हैं ना तो जो है कि अच्छी तरह से सीधा नहीं होता हो पाता है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से पलट रख के हम जो इसको रांडा मारने वाले। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से रांडा मारेंगे। दोस्तों इसी तरह से रांडा मारने से क्या होता है, हमारा फट्टा पूरा सीधा हो जाता है अच्छी तरह से। तो चलिए फटाफट से इसको रांडा मार के इसके साइज में कर लेते हैं। पहले हम इसके एक साथ पूरी तरह से रांडा मार के सीधा कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है कि इसकी मोटाई कितना निकलता है उसका हम इसके हिसाब में इसको साइज करके जो कि दूसरे साइड रांडा मारने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट इसको रांडा मार के करते हैं कम्प्लीट। तो आप लोग बने रहे वीडियो पे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने फाइनली एक फट्टे को जो कि दोनों साइड रांडा मार के इसके साइज भी करके हमने फाइनली पूरी तरह से जो है कि हमने कंप्लीट कर लिया है। देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने रांडा मार के इसके साइज कर लिया। और दोस्तों इसके जॉइंट पे भी देख सकते हैं बिल्कुल भी गैप नहीं दिख पा रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसको ज्वाइन करके जो कि हमने तैयार कर लिया है। तो दोस्तों आप ये देखिए ये दूसरा वाला फट्टा भी ज्वाइन करने रांडा मारने का काम बाकी है। तो चलिए इसके फटा से रांडा मार के करते हैं कंप्लीट। तो आप लोग बने रहिए। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने दोनों टेबल के फट्टे को जो कि रांडा मार के हमने पूरी तरह से जो कि कंप्लीट कर दिया। देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने रांडा मार के कंप्लीट कर लिया। और दोस्तों इसके देख सकते हैं हमने चौड़ाई जो है ये देखिए हमने 2 फीट का रखा है। हमने इसको जो कि रांडा मार के इसके साइज में रांडा मार के कटिंग करके भी रेडी करके रख लिया। और यहाँ पर देख सकते हैं इसके लंबाई जो कि 3 फीट का, देख सकते हैं 2x3 फीट का हमने दोनों एक ही साइज़ में बनाया है। दोस्तों दोनों टेबल का एक ही साइज़ बनाया है, इसका भी देख सकते हैं 2 फीट है। ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 2 फीट का है और इसके लंबाई जो है कि वो 3 फीट का है। देख सकते हैं दोस्तों हमारा ये देखिए 3 फीट में है। हमारा जो है कि दोनों टेबल का साइज़ एक ही होने वाला है 2x3 फीट का। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आलू उगरा कटिंग करने का काम जो वो रह गया है। तो दोस्तों हमारा जो ये फट्टा रांडा मारते मारते काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, उसकी वजह से इसका आलू उगरा कटिंग करने का समय जो है कि वो नहीं हो पाया। तो हम इसको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसको जो कि आलू उगरा किस तरह से कटिंग करते हैं इसका, उसके बाद जो है कि रोटर मशीन से इसको होल भी किस तरह से किया जाता है वो सारे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।